तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 2V का हमारे पास चाबी आ चुका है और चाबी काफ़ी मजबूत है और काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हमारे पास बाइक भी आ चुका है और ये दोस्तों रेस एडिशन है। तो आज की स्टोरी में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे टीवीएस का रेस एडिशन का लोगो मिल जाएगा। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है 1982 की स्टिकर मिल जाती है और उसके नीचे आएंगे तो रेस एडिशन का स्टिकर अलग से मिल जाती है। पीछे में यहाँ पे आरटीआर 160 का स्टिकर मिल जाएगा, साथ ही साथ तिरंगा का स्टिकर मिल जाती है। नीचे में अपाचे का स्टिकर मिल जाएगी और ऑल ओवर इसका जो बॉडी है दोस्तों ये मेट कलर में, मेट ब्लैक में देखने को मिलती है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में यहाँ पे देख लो स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर ब्लैक कलर का विंडशील्ड मिल जाती है और वहीं पर इसका फ्रंट लुक कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। टर्न लाइट की बात करें तो बल्ब वाली टर्न लाइट यहाँ पर मिल जाएगी और इसका लाइट जो है ना वो LED का मिलती है, साथ में DRR भी है तो उसको मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की इसमें आपको लाइट मिलेगी। साइड साइड में यहाँ पे DRS है जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्राइट देखने में लगती है। प्लस इसका जो हेडलाइट है जो LED का वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अभी डे का टाइम है दोस्तों इसलिए थोड़ा सा कम लग रही है, लेकिन नाइट में काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस इसमें आपको मिलेगी। यहीं पर अगर बात करें सस्पेंसन की तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंसन मिल जाएगा दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छी है। और इसी में दोस्तों यहाँ पे देख लो ऊपर में जो इसका मडगार्ड है ये भी पूरा बॉडी कलर में मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्टिकर अलग से मिल जाती है। यहीं पे अगर बात करें दोस्तों इसकी जो टायर है उसके बारे में तो फ्रंट में जो है ट्यूबलेस टायर मिल जाएगी। और अगर यहीं पे बात करें अगर टायर साइज़ की दोस्तों तो यहाँ पे 90-70 इंच की टायर साइज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और व्हील की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको अलॉय व्हील मिल जाएगी और ये रेड कलर में अलॉय व्हील यहाँ पर मिलती है और रेस एडिशन है इस वजह से इसमें आपको रेड कलर दिया गया है। यहीं पे अगर बात करें दोस्तों इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की तो इस वाले मॉडल में दोस्तों आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ इसमें आपको ABS भी देखने को मिल जाती है। तो इसमें सुपर मोटो ABS का यहाँ पे स्टिकर मिल जाएगी। सिंगल ABS है, केवल फ्रंट में मिलती है, बैक में अभी नहीं मिली है, मतलब न्यू मॉडल में अभी मिल जाएगी लेकिन अभी इसमें नहीं मिली है। ठीक है, 270 mm का इसमें आपको डिस्क मिलेगी। मीटर कंसोल की बात करें दोस्तों यहाँ पर देख लो फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल इसमें मिलती है। यहाँ पे देख लो सब चीज़ डिजिटल है, जो आपको RPM मीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो टाइम मीटर हो गया, फ्यूल मीटर हो गया, यहाँ पे ओडोमीटर वगैरह हो गया और एक और है यहाँ पे आपको ना न्यूटन का गियर मीटर हो गया और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मतलब सारा चीज़ में आपको डिजिटल मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों आपको मोड भी यहीं से आप चेंज कर सकते हैं, 3 मोड है, रैन, स्पोर्ट, अर्बन, 3 मोड है, उसको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी स्पोर्ट है, फिर रेन हो गया, फिर अर्बन हो गया, इसको आप इस बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 3 मोड है, तीनों मोड में आप अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं। सब वेरी करता है, मतलब बारिश का मौसम आता है रेन मोड में चलाइए, और स्पीड में चलाना है तो स्पोर्ट मोड में, सिमला ऐसा है। बाकी जितने सेंसर लाइट है वो नीचे में यहाँ पर मिल जाएगी, साइड साइड में बटन मिल जाएगी जिससे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये रहा इसका कुछ फ्रंट का लुक। अब यहीं पर बात करें अगर बटन्स की तो यहाँ पर पासिंग लाइट का बटन मिल जाएगी, यहाँ पर लो बीम हाई बीम का, यहाँ पे आपको जो टर्न लाइट है उसके नीचे हॉर्न का बटन मिल जाएगी। चाबी बंद कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्न वगैरह, यहाँ पे आपको जो फीचर वगैरह का बटन मिल जाएगी, यहाँ पे इंजन की स्विच मिल जाएगी और उसके नीचे यहाँ पे मोड जो बताया अर्बन, स्पोर्ट, वो सब, और यहाँ उसका सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलेगी। तो ये रहा कुछ बटन्स। और यहीं पर दोस्तों इसका जो बॉडी है फ्यूल टैंक की उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो फ्यूल टैंक है वो A20 फ्यूल को भी ये सपोर्ट कर लेती है, तो A20 फ्यूल भी सपोर्ट कर लेगी। टैंक की बात करें तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें मिलती है। यहीं पे सीट की बात करें तो सिंगल सीट मिल जाएगी और सीट काफ़ी बड़ी है, और काफ़ी बड़ी और काफ़ी चौड़ी इसमें आपको सीट मिलती है, और जो इसका क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसमें जो कुशन वगैरह यूज किया गया वो काफ़ी अच्छा कुशन यूज किया गया है, तो सॉफ्टनेस और लंबाई भी इसका काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिलेगी। यहीं पे दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देखें कुछ अलग से जो टेक्सचर वगैरह यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये जो साइड साइड में बस मिलेगी ना, सब जगह ये नहीं मिल रही है। अब दोस्तों वहीं पे अगर बात करें इसकी जो इंजन की, तो इसमें दोस्तों 159.7 cc इंजन मिल जाएगी जो कि 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 रेस ट्यूनेट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इसमें आपको जो टेक्नोलॉजी है वो यूज किया गया है। पावर की बात करें 16.04 kps की पावर मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी पावर है जो ये बाइक प्रोवाइड करी है। यहाँ ETFI का इंजन मिल स्टिकर मिल जाएगी जिसका वही है, और नीचे आपको इंजन कवर मिल जाएगा, TVS का रेसिंग का यहाँ पे स्टिकर अलग से मिल जाती है। बाकी ये अपना पूरा मेट है, ये आपको प्लास्टिक मिल जाएगी। बाकी ऑल ओवर लुक देख सकते हैं, एयर कूलिंग मिलेगी, ठीक है, ऑयल कूलिंग नहीं मिलती है, और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम द्वारा फ्यूल सप्लाई किया जाता है। फुटेज ये एडजस्ट कर सकते हैं, पीछे वाला भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये ठीक है, एडजस्ट सामने वाला एडजस्ट करेंगे लेकिन अपनी जगह पे वापस आ जाती है, ठीक है।
गियर की बात करें दोस्तों, तो यहीं पर इसका गियर देख लो, तो इस वाले मॉडल में आपको जो है 5 गियर सेटअप देखने को मिलेगी, जो कि ठीक है, काफ़ी सही है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड मिल जाती है। यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन की स्विच भी मिल जाएगी, जिसका काम तो मैं कई बार बता चुका हूँ, साइड से में जैसे आप अपने बाइक को रखेंगे ना, तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी अगर बंद है तो, और अगर स्टार्ट है तो बंद हो जाएगी। सिंपल टेक्नोलॉजी है, सारे बाइक में मिली है, तो इसमें भी वो मिल जाएगी एक्सीडेंट वगैरह को बचाने के लिए है, ठीक है। तो ये है, और साथ ही साथ यहाँ देख लो, इसमें आपको जो किक नहीं मिलती है, ठीक है, तो इसमें केवल आपको सेल्फ स्टार्ट मिलेगी, किक स्टार्ट इस वाले बाइक में अभी हटा दिया गया, तो वो आपको नहीं मिलेगी, तो ये भी काफ़ी सही लगा मुझे। तो अब यहीं पे आपको यहाँ पे सारी गार्ड मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सही है। अब दोस्तों कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे इसके रियर टायर और जो रियर लाइट वगैरह है, तो रियर टायर की बात करें दोस्तों, इसमें आपको 170 इंच की यहाँ पे आपको टायर साइज जो है वो देखने को मिलती है, काफ़ी बड़ी साइज है, ट्यूबलेस टायर यहाँ पे भी मिलेगी। और व्हील की बात करें तो यहाँ पे भी आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा, ये भी रेड कलर में मिलती है। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो इस वाले मॉडल में भी आपको डिस्क मिलेगी, लेकिन रियर में आपको ना ABS नहीं मिलती है, ठीक है, तो 230 mm का यहाँ पर डिस्क मिलती है रियर में। सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो है ना मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिलर 5-स्टेप एडजस्टेबल जो शॉक अब्जॉर्बर है वो देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है, MIG कंपनी की यहाँ पे आपको मिलेगी, जो काफ़ी सही है, ठीक है। सस्पेंशन वगैरह काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे एक जॉस है ब्लैक कलर का, उसके ऊपर में जो कवर है वो भी आपको मेट ब्लैक टाइप का ही देखने को मिलती है। तो ये कुछ मेन फीचर है दोस्तों। यहीं पर बात करेंगे टेल लाइट की, तो यहाँ पर ऊपर स्टिकर मिलेगी, टेल लाइट की बात करें तो LED का ही टेल लाइट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगेगा, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको साइड में भी रिफ्लेक्टर मिल जाती है। तो ये कुछ मेन फीचर थे जो कि इस बाइक में आपको मिलेगी। वहीं इसके कुछ अलग से जो अलग फीचर के बारे में बात करें, तो पहले बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की, तो इसमें 114 किलोमीटर का टॉप स्पीड जो है वो देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है मेरे हिसाब से। और यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी ग्राउंड क्लियरेंस एंड व्हील बेस की, तो इसमें दोस्तों 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, और 1320 mm का जो है व्हील बेस है वो देखने को मिल जाती है। यहीं पे अगर बात करें इसकी टॉप स्पीड की, तो इसमें 114 के जो बताई थी टॉप स्पीड, माइलेज की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको 50 किलोमीटर का माइलेज क्लेम करती है कंपनी, लेकिन कम से कम भी माने तब भी आप 40 से 45 का तो मान सकते हो, ठीक है, तो ये कुछ इसका माइलेज वगैरह है। प्राइस की बात करें दोस्तों, इसका एक शोरूम जाता है 1,30,000 के आसपास, और ऑन रोड जाएंगे तो ही 1,50,000-1,45,000 के आसपास जाएगी। और फाइनल अगर आपको प्राइस जानना है तो शोरूम का डिटेल तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ से आप चेक कर लेना, तो वहाँ से आप नंबर वगैरह में कॉल करके ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, हमारा शोरूम जो है ना वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, तो अगर आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से तभी कॉल कीजिएगा, बाहर से कॉल मत कीजिएगा, बाहर हम लोग सप्लाई नहीं करते हैं। तो अभी यहीं पे अगर बात करें इसकी कलर की, तो रेस एडिशन का कलर अलग है, जो कि मेट ब्लैक में मिलती है, साथ ही साथ मेट ब्लैक, मेटेलिक ब्लू, स्टैंडर्ड एडिशन, ब्लैक, ग्रे, वाइट, रेड, ये सारे कलर में भी ये देखने को मिलेगी। तो यही कुछ खास फीचर है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को